जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में दोस्तों जहाँ हो वहीं नौकरी यानी कि आपकी अपनी लोकल टीम है जिस जगह पर आप रहते हो वहीं आपके लिए जॉब की सुविधा ये खुशखबरी है सर्विंग एंड रिटायर्ड सैनिकों के लिए तथा उनके आश्रतों के लिए सर्विंग कौन सर्विस वाले वो लोग जो नियर फ्यूचर रिटायर्ड आने वाले हैं यानी कि रिटायरमेंट से तीन महीने पहले आप अपने लिए जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं कहीं जॉब कर रहे हैं जो बदलना चाहते हैं या जिनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिला है उनके लिए भी है जॉब की अपॉर्चुनिटी उनकी अपनी लोकल टीम है लेकिन एक बात किसी के लिए भी सिक्योरिटी की नहीं है अदर देन सिक्योरिटी प्रोफेशनल जॉब करना क्या होगा आपको उसके लिए देखिए दोस्तों पैन इंडिया हायरिंग यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वहीं पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्वेश्चन आयर क्वेश्चन आयर क्या है आपको अपना नाम आपका फोन नंबर आपकी ईमेल आईडी आपका आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर यानी कि कोई भी आपकी एक आईडी जो चलती है वो ताकि जब भी आप अप्लाई करें ये जो आपकी आइडिया उससे टैली हो कि जिन्होंने अप्लाई किया है वही है या कोई और करंट कंपनी एंड डिजिग्नेशन अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो किस डिजिग्नेशन पर हैं कौन सी कंपनी टोटल डिफेंस एक्सपीरियंस यानी सेना के अंदर आपका टोटल कितनी सर्विस हुई है वो बताना है टोटल प्राइवेट एक्सपीरियंस अगर आपने रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया है टोटल कितना किया है वो बताना है करंट सीटीसी यानी कि आपका करंट कितना पैकेज चल रहा है कितने पैसे पर आप जॉब कर रहे हैं दूसरा एक्सपेक्टेड सीटीसी यानी कि आप आगे जो जॉब बदलने के लिए क्या उम्मीद करते हैं कितना एक्सपेक्ट करते हैं करंट लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट लोकेशन आप कहाँ पर रहते हैं और नेक्स्ट आप किस लोकेशन को प्रेफर करते हैं जॉब करने के लिए जहाँ रहते हैं वहीं पर या किसी और लोकेशन पर नोटिस पीरियड नोटिस पीरियड विशेषकर उन लोगों के लिए जो अभी जॉब पर हैं और तीन महीने के अंदर रिटायर्ड आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि वो इतने दिन के अंदर अवेलेबल होंगे उनके सलेक्शन के बाद में इसी तरीके से जो दूसरे पूर्व सैनिक हैं उनको भी ये बताना होगा कि हम सलेक्शन के कितने दिन के अंदर जॉब जॉइन कर लेंगे ये नोटिस पीरियड है रिज्यूम देना है आपने अपना आपने आपका बायोडाटा वो सब सबमिट करना है किस तरीके से सबमिट करना है ये सारी डिटेल उसमें आनी है लेकिन करने का तरीका है वो मैं आपको एक एक स्टेप के हिसाब से बताऊंगा लेकिन उससे पहले दो चार ऐसी लोकेशन है जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जहां हमने जॉब्स के लिए अभी तक सलेक्शन किया है जहाँ पर हमने जॉब प्रोवाइड किए हैं कुछ एक दो एग्जाम्पल हैं जैसे ये साउथ के कुछ लोकेशन है जहाँ पर हमारी तरफ से सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है और ये देखिए दोस्तों आपके डिपेंडेंस के लिए सेल एग्जीक्यूटिव का जॉब था जिसका आप लोगों से कई लोगों ने कॉन्टेक्ट भी किया ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो जॉब के संदर्भ में थे तो अब देखिए दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ये आई बटन है यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका गूगल फॉर्म खुल के आ जाएगा उसमें आपने अपना डेटा फिलअप करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल फॉर्म खुल के आ जाएगा और उसमें आपने अपना डेटा भरना है इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो देखिए दोस्तों यह है गूगल फॉर्म आप पैन इंडिया के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे डिफेंस पर्सनल और उनके आश्रितों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है और ये आपने अपना डेटा भरना है यहाँ पर आपका नाम आएगा इसमें आपका मोबाइल नंबर ई मेल आधार अवलिक पेन जो भी आप फीट करना चाहते हैं करंट कंपनी जैसा मैं पहले बताया अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो करंट कंपनी का डिजिग्नेशन आप किसी कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं तो आपका वहाँ पर डिजिग्नेशन क्या है और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है डिफेंस का वो लिखना है इसके बाद आपने अगर प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब किया है अब तक या कर रहे हैं तो वहाँ का कितना एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है करेंट लोकेशन ये मैंडेटरी है आपको ये पक्का मेंशन करना है और आपका प्रेफर्ड लोकेशन कौन सा है कहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं वो मेंशन करना है करेंट सैलरी अगर आप कहीं जॉब पर हैं तो कितनी मिल रही है और आगे आप कितने की उम्मीद करते हो क्या आपका एक्सपेक्टेशन है इस तरीके से और नोटिस पीरियड जैसा कि मैंने पहले बताया जो सर्विस में है तीन महीने के अंदर अंदर जो रिटायर्ड आ रहे हैं आने के बाद कितने टाइम के अंदर वो ज्वाइन कर सकते हैं तीन महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं है तीन महीने के अंदर अंदर ही अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका रिज्यूमे यहां यहाँ सबमिट होगा एक चीज़ याद रखें जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए डिफेंस का एक्सपीरियंस कॉलम खाली रहेगा क्योंकि वो सर्विंग पर्सन और जो रिटायर्ड आएँ उनके लिए ही मैंशन करना है और दोस्तों सजेशन्स अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है कुछ आप बताना चाहते हैं अपने बारे में तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर सबमिट कर दें इस तरह आपका गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा और जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी बेस्ट से बेस्ट वो आपको मिल जाएगी एक बार याद रहे सिक्योरिटी गार्ड के लिए कोई अप्लाई ना करें दूसरा जिस तरीके से आप सेना के अंदर जाते हैं और आप कोई भी क्या वेपन हो या गाड़ी हो या कोई इक्वमेंट हो चलाना नहीं जानते लेकिन वहाँ आपको ट्रेंड किया जाता है और आप काम करते हैं इसी तरीके से अगर आप कोई काम नहीं जानते हैं आप जाइए वहाँ आपको ट्रेंड किया जाएगा ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आपने काम करना है अगर आपको पसंद आता है काम तो करिए नहीं आता है तो नहीं करिए यहाँ पर आपसे कोई फी नहीं ली जाएगी लेकिन एक बार आप ट्रैक से हटके थोड़ा दूसरे तरफ जाकर देखिए इस तरीके से आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रैक से हटकर सिक्योरिटी ये गार्ड वो ड्यूटी छोड़कर वाइट कॉलर जॉब पर जाएं और एक नया एक्सपीरियंस लें अगर आपको पसंद नहीं आता है नहीं होता है तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है आपसे कोई फी नहीं ली जा रही है लेकिन हमारी कोशिश है कि जो परंपरा बनी हुई है कि डिफेंस पर्सनल सिक्योरिटी में ही जाएंगे उसको तोड़ने की एक कोशिश है तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए और आपके अपनों के लिए इस जानकारी को अपने पास तक सीमित ना रखें अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के बच्चों के साथ सबके साथ शेयर करें और एक बार फॉर्म का लिंक यहाँ पर है आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आपका डेटा हमको मिलेगा तो हम आपसे अप्रोच करेंगे फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत